बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खवातीनो हजरात, जमाना सारा देखेगा। प्रोग्राम को लेकर डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर के साथ साबिर रजा हाजिर है, और क्या खूब शेर हैं कि दिल के जब राबते नहीं होते, वाह, दिल के जब राबते नहीं होते, इश्क के हादसे नहीं होते। आए हाय 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 हाय, ये तो किस्मत की बात है, वरना लोग सब दिल जले नहीं होते। आए हाय, क्या प्यारी बात है। क्या है, क्या मीर और क्या नासिर काज़मी के अंदाज में शायरी है, और क्या बहुत अच्छा अंदाज है, बहुत प्यारा। और हमारे दोस्त हैं मोहम्मद अमीन सादिक, मानसेरा से इनका तल्लुक है, लेकिन आज का लैपटॉप आदमी है, खूब लिखते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या आप फरमाएंगे इनके हवाले से? नौजवान शायर। अच्छा, नौजवान। अच्छा, तो नौजवानी में अगर ये आलम है तो आगे जाके क्या होगा? ये भी यानी बहुत ही अच्छा लिखना, और हर अपने शेर में और गजल में ये फिक्र रखना कि औजान जो है वो ठीक हो, उरूज की गलतियां ना हो, तो ये भी एक बड़ी बात है। और बाकायदा यानी कलाम शायर, बज़बान शायर के हवाले से भी इनका बड़ा नाम है मानसेरा के कुर्ब जवार में, और खासकर लाहौर में बड़े शौक से लोग उन्हें सुनते हैं। उनका शेर है, कोशिश के बावजूद मनाने से रहे हैं, कोशिश के बावजूद मनाने से रहे हैं, शायद के मोहब्बत को निभाने से रहे हैं। वाह वाह, बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही। एक जगह लिखते हैं वो कि उसकी मर्जी है जिसे चाहे अमीन। अच्छा, इनकी शायरी में मैंने देखा कि इन्होंने कहीं अपने साथ तखल्लुस के तौर पर अमीन को इस्तेमाल किया है, और कहीं सादिक को भी इस्तेमाल किया है। वो तो ठीक है, वो तो ऐसे चलता है, वो तो है बड़ा अच्छा। ऐसे होते हैं जिसमें अगर आपके दो नाम हैं तो वो दो नामों में से कोई भी एडजस्ट हो जाए, ये हाँ, तो तो उसको करते हैं हम सब, सब ही अच्छा निभाया शायरी में इन्होंने दोनों जगह। उसकी मर्जी है जिसे चाहे अमीन, दिल नहीं करता किसी से मशवरा। ठीक है। अच्छा, यही बात सही है, दिल मशवरा नहीं करता, उसकी मर्जी है, और हो नहीं सकता किसी सूरत यहां, हो नहीं सकता किसी सूरत यहां, आदमी का आदमी से मशवरा। अच्छा, बाकी मशवरा कहां है आदमी का आदमी से? आजकल हर शख्स ये समझ रहा है कि मैं सब कुछ जानता हूं, तो फिर मशवरा कहां से होगा? बिल्कुल ठीक है। और ये एक बड़ा रोग है ये जानना कि मैं सब कुछ जानता हूं। जी 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 उस वक्त तो आसानी होती है कि मैं कुछ कुछ नहीं जानता, जी 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 तो फिर सीखने की मंजिल सामने नजर आती है कि आदमी सीखेगा, जी उसका दिल करेगा मैं सीखूं, क्योंकि मैं सब कुछ तो नहीं जानता। जी 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 लेकिन जब आदमी ये समझ ले कि मैं सब कुछ ही जानता हूं, तो फिर तो मशवरा करता ही नहीं है, उसे तो सब मालूम है। जी बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ी एक फिक्र की तरफ ले गया था मुझे ये शेर। और मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि लोग मुझसे अक्सर ये कहते थे, हमारे ये जो इस सिलसिले के कुछ प्रोग्राम और रोशनी के जो प्रोग्राम रिलीज किए आपने यूट्यूब पे, जी 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 तो कुछ दोस्त अहबाब जिनसे मेरी याद अल्लाह है, उन्होंने मुझे फोन किया था जी जी कि आपकी कुछ बातें कंफ्यूज कर देती हैं। तो मैंने कहा कि ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि आप मेरी बातों से, या हमारा ये जो प्रोग्राम है कारवाने अदब और उर्दू यूके उर्दू टाइम्स जो साबिर रजा के साथ हम करते हैं, उसको सुनकर आप कंफ्यूज होते हैं, या आपकी खुशनसीबी है। उन्होंने कहा वो कैसे? मैंने कहा देखे, अगर आप कंफ्यूज हैं तो फिर इस बात का इम्कान है कि आप सच की तलाश में निकलेंगे। आपको ये होगी फिक्र
कि मैं कंफ्यूज हूं, तो अब मैं ये ढूंढूं कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे तो फिर आप उस मुकाम पर आ गए कि मैं तो सब जानता हूं, तो फिर तो आप कोई तलाश करेंगे नहीं। तो मैंने कहा कि मैं और साबिर रजा बैठकर कोशिश ही ये करते हैं कि लोगों को कंफ्यूज करें, इसलिए कि दूसरे जो रहनुमा है, लीडर है, उन्होंने तो आपको फ्यूज कर दिया है। हम कम से कम कंफ्यूज तो कर रहे हैं, क्योंकि तार बिजली का बल्ब आपने देखा होगा साबिर रजा, कि जब उसमें जो तारे होती हैं उनमें से एक तार अगर जरा सी ढीली हो जाए तो वो झमकने लगता है ना, जगमग जगमग करता है ना, क्योंकि वो अभी जाने कंफ्यूज है। हाँ। लेकिन जब दोनों तारे टूट जाती है तो वो फ्यूज हो जाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि हम बल्ब को उतारते हैं, हाँ घुमाकर वो तार जुड़ भी जाती है कभी, तो भी, हो जाता हाँ, क्योंकि वो कंफ्यूज है ना, तो हम वो सही हो जाता है। हम आपके लिए ख़वातीनो हज़रात, हम जानबूझकर कुछ सवालात आपके आपके लिए छोड़ जाते हैं जी, ताकि आप फिक्र करें, आगे कमेंट्स में आप हमें बताएं। और काश जी हमारे बड़ों ने 1400 साल पहले से इस आदत को बनाया होता कि अपने इल्म को पहुंचाते, लेकिन कुछ लोगों के जहनों में सवालात भी छोड़ जाते, ताकि जरूरी है। सवालात के पीछे, उस रोशनी के पीछे और उसकी तहकीक करते और अपने इल्म को पाने की कोशिश करते। बिल्कुल, और हम सवालात छोड़ते हैं, छोड़ते हम सवाल का जवाब नहीं देते, हम आग ही देते हैं। जवाब आपने खुद ही ढूंढना है। ढूंढना, बिल्कुल सही। एक जगह लिखते हैं मोहम्मद सादिक अमीन, पहले मैं आशना हुआ तुझसे, पहले मैं आशना हुआ तुझसे तब कहीं जाके जिंदगी देखी। वाह, यानी मोहब्बत की मेराज की बात की सादिक अमीन ने। बहुत खूबसूरत शेर उनका, चमन में वो कदम रखता नहीं है तो कोई फूल भी खिलता नहीं है। अच्छा, चमन में वो कदम रखता नहीं है तो कोई फूल भी खिलता नहीं है। उनके हाल ही में उनके भाई का इंतकाल हो गया था, उस पर उन्होंने दो शेर कहे थे, बहुत प्यारे शेर है, मैं वो आपको सुनाता हूं। मौत का जायका चखने से नहीं रोक सका, मेरे भाई तुझे मरने से नहीं रोक सका। है, इतना दर्द है। जब्त करता हूं बहुत खुद को, मगर मैं तेरी याद में दिल को धड़कने से नहीं रोक सका। बहुत अच्छा, पूरी गजल लिखी है उन्होंने ये, इसमें दो शेर मैंने आज के प्रोग्राम के लिए लिए थे। एक जगह उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, और वाकई ये एक ऐसी बात है कि मेरे हिसाब से जिंदगी का सबसे बड़ा रोग यही है। उनका शेर है, नहीं खौफे खुदा कुछ हमको लेकिन, नहीं खौफे खुदा कुछ हमको लेकिन, फकत डर है जमाना क्या कहेगा। बहुत अच्छा, यानी आप ये देखें, इसमें दो पहलू निकलते हैं। एक तो ये है कि हम जब कभी समाज की बात करेंगे कि हम जमाने को दिखाने के लिए या जमाने के डर से कर्जा लेकर भी शानो शौकत दिखाने के आदि हो चुके हैं, और दूसरा पहलू ये निकलता है कि हम यही सोच सोच के बीमार होते रहते हैं कि यार वो हमारे बारे में क्या सोचता होगा। यानी जिंदगी का सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या सोचते हैं लोग। तो ये मुझे अच्छा लगा शेर, मैंने शामिल किया। उनका एक शेर है, इसीलिए तो नहीं, इसीलिए नहीं, इसलिए तू नहीं करार के साथ, इसलिए तू नहीं करार के साथ, इश्क है तुझको बेशुमार के साथ। वाह, बचपन में हम एक शेर पढ़ा करते थे ना, रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है, सितारों से नहीं, तो फिर उसका जवाब भी हमने लिख दिया था, रोशनी चांद से होगी तो सितारों का क्या होगा, मोहब्बत एक से होगी तो हजारों का क्या होगा। बिल्कुल सही। तो इनका जो महबूब है सादिक अमीन साहब का, वो शायद इस शेर के हवाले से चल रहा है कि इश्क है तुझको बेशुमार के साथ, हम पे दोहरा अजाब है सादिक, वाह, हम पे दोहरा अजाब है सादिक,
दिल भी टूटा है एतबार के साथ। वाह वाह, मुझे याद आ रहा था वो एक मुशायरे में आपने दावत दी थी कराची के शायर जिनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, एजाज रहमानी, हाँ आपने उन्हें बुलाया था। हाँ उनका एक शेर है गालिबन उन्हीं का है जहां तक मुझे याद पड़ता है, या उनका है या शायद सबात वास्ती का है, जी जी कल रात मेरा दो गुना नुकसान हुआ है, सोया भी नहीं और इबादत भी नहीं की। वाह वाह वाह, मेरा ख्याल या तो वास्ती साहब का है या एजाज रहमानी, मुझे ठीक से याद नहीं, मगर दोनों उस मुशायरे में मौजूद थे। चले वो प्रोग्राम देखेंगे ना तो सुभाष साहब तो वो बता देंगे हमें कि उन्हीं का है। हाँ, ये किसका है, मुझे भाई 25 साल पुरानी बात है जी जी तो जहन में नहीं है। तो दिल भी टूटा है एतबार के साथ, हम पे दोहरा अजाब है साथ। ये दिल जो टूटता है और एतबार भी साथ में टूटता है, ये बड़ा एक अजीब पहलू है। या तो दिल टूट जाता है कि भाई मैंने किसी से मोहब्बत की और उसको भी मुझसे मोहब्बत थी, मगर जमाने की मजबूरियां उसकी शादी कहीं और हो गई, दिल टूट गया, मगर एतबार नहीं टूटा। यहाँ एतबार तो है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है हाँ, कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओ में हाँ गुजर न पाती तो शादाब हो भी सकती, सकती थी। हाँ क्या बात है साहिर की। तो दिल और एतबार टूटा, असल में होता क्या है कि जिस इंसान को अपने आप से मोहब्बत नहीं होती, जी जी उस इंसान से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। ये मेरा फलसफा है। अगर किसी शख्स को अपने आप से मोहब्बत नहीं है जी जी तो उससे मोहब्बत हमें नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि अगर हम जिस शख्स को खुद से मोहब्बत नहीं है वो किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता। लेकिन मोहब्बत तो एक ऐसा शोला है जो नजर नहीं आता ना, नहीं आता, वो ये एक हो जाती है। बीमारी है जो अचानक आपके सामने आती है हाँ, और आप आपके जिस्म में दाखिल होकर आपको चीर जाती है। जी जाती है, वो सच्ची मोहब्बत होगी। मोहब्बत या तो होती है या नहीं होती, इसके बीच में कुछ नहीं होता। नहीं 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 वो प्रैक्टिकल के लिए ये नहीं तो कि पहले प्रैक्टिस करो कि हम मोहब्बत कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते आपस में, एक दूसरे के देखो, कारोबार देखो, एक दूसरे की जिंदगी देखो, हाँ, ये सब मोहब्बत तो नहीं होगी ना। नहीं होगी, क्योंकि अगर मोहब्बत अंदर से नहीं है, बाहर से है, तो फिर अदाकारी रहेगी। अदाकारी होती है, करते हैं हम, जैसे किसी महफिल में बैठे हैं, उदास हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते तो हम मुस्कुराते रहते हैं। जी 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 लेकिन कब तक मुस्कुराएंगे? अगर आपने शादी कर ली है और हाँ मोहब्बत आपकी सच्ची नहीं है, तो आप 24 घंटे तो उसके साथ है, तो 24 घंटे तो आदमी मुस्कुरा के थक जाएगा, इसलिए हनीमून के बाद कहानी खत्म हो जाती है। जी 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 तो मोहब्बत जो है उसको दोनों तरफ से अगर सच्ची हो तभी वो परवान चढ़ सकती है, वरना नहीं। जी 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 एक जगह लिखते हैं, किसी के वास्ते रातों को जागता होगा, बिछड़ के मुझसे वो मेरी तरह हुआ होगा, अच्छा ख्याल, इसीलिए तो नहीं कोई राबता हमसे, वाह हमारे बाद कोई दूसरा मिला होगा। अच्छा है, अच्छा है। अच्छा, शायर शायर जो है इसमें इस शायर में बेसाख्तगी है, बेसाख्तगी है, छोटी बहरे और बेसाख्तगी, हमारे बाद कोई दूसरा मिला होगा। इसमें सवालिया निशान छोड़ जाता है शायर दिल की तसल्ली के लिए कि भाई जरूरी नहीं दूसरा मिल गया हो, मगर शायद मिला होगा, ये नहीं लिखा है कि मिला है, तो एक भ्रम रखता है मोहब्बत में शायर। एक जगह लिखते हैं, दूसरों से उसका चक्कर है तो है, गैर उसको हमसे बढ़कर है तो है, ये नया अंदाज़े, रोने धोने से तो कुछ होगा नहीं, गम से रिश्ता जिंदगी भर है तो है। एक जगह लिखते हैं, नफरतों के शहर में सादिक अमीन, क्या करें सुनसान ये घर है तो है। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात है, इनका पूरा नाम क्या है? आपने मुझे इनका नाम मोहम्मद अमीन सादिक है, मोहम्मद अमीन सादिक। जी जी हाँ अच्छा, मोहम्मद अमीन सादिक दिल के, आपने वो शेर उनका पढ़ दिया था, दो तीन शेर उनके और हैं बस, चंद लम्हों की खुशी को मैं खुशी कैसे कहूं, चंद लम्हों आरजी दुनिया को सादिक दायमी कैसे कहूं। अच्छा, और शिद्दत जज्बात का होना जरूरी है बहुत, वाह
काफिया पैमाई को मैं शायरी कैसे कहूं। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे, कितनी प्यारी बात है, बहुत अच्छे। काफिया पैमाई बहुत हो रही है आजकल, काफिया पैमाई हो रही है। बहुत हो रही है, शिद्दत जज्बात का होना जरूरी है बहुत। काफिया पैमाई को मैं शायरी कैसे कहूं, उनका आखिरी शेर सुनिए जी। और सर धुनिए। मौत बरहक है इसलिए हम तुम, मौत बरहक है इसलिए हम दम, आओ एक दूसरे पे मरते हैं। अच्छा, वाह वाह। छोटी सी बात मगर गहरी बात। हाँ मौत बरहक है इसलिए हम दम, आओ एक दूसरे पे मरते हैं। वाह वाह, तो ये थे हमारे बहुत ही प्यारे साथी मोहम्मद अमीन सादिक, मानसेहरा से जिनका ताल्लुक है और दिल की शायरी करते हैं। हाँ। दिल के जब राबते नहीं होते, इश्क के हादसे नहीं होते। आए हैं मोहम्मद अमीन सादिक। ख्वातीनों हजरात, अगले हफ्ते फिर काबिल है ना अपना एक शेर तो सुनाते जाएं। मुझको ये संसार मिले, वाह, मुझको ये संसार मिले, घर जीवन में प्यार मिले, हाय हाय हाय, और देना था एक फूल मगर, देना था एक फूल मगर, साजन रुत के पार मिले। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। रोग अनोखा था कोई, आहा रोग अनोखा था कोई, आहा, चारा घर लाचार मिले। क्या बात है, मेरी रूह के खंडरों से, मेरी रूह के खंडरों से आशा के आसार मिले। भाई वाह। साबिर रजा, आपने ये जो शेर अभी सुनाए ना, मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई 2 मिनट की। जी, असल में जो शायरी है ना, शायरी शायर उसी वक्त कर सकता है जब उसे वाकई शायरी से मोहब्बत होती है, वरना शायरी हो नहीं सकती। म्यूजिक इसीलिए बजा सकता है कि उसे म्यूजिक से शदीद मोहब्बत होती है, यानी शायर मोहब्बत से ऐसी शायरी करता है कि फिर वो खुद शेर बन जाता है, शायर नहीं रहता, वो शेर या गजल की सूरत ढाल लेता है। जी। आप देखें, मुझे आपको याद होगा मैंने जिक्र किया था आपसे, डच का जो पेंटर था, आर्टिस्ट, विंसेंट वैन गॉफ। हाँ, वैन गॉफ, हाँ, जिसने बड़ी तस्वीरें बनाई, बहुत बड़ा आर्टिस्ट। उसको सबसे ज्यादा मोहब्बत थी येलो कलर से और सूरज से और सूरजमुखी के फूलों से। उसकी बेशुमार तस्वीरें थी जो वो सूरज और सूरजमुखी के फूल बनाता था, मगर उसकी तसल्ली नहीं होती थी, वो बनाता रहा। और जब उसने आखिरी तस्वीर बनाई ना येलो कलर के साथ, इतनी खूबसूरत बनाई कि उससे लगा कि ये मेरी तस्वीर मुकम्मल हो गई है। और उसके बाद अगले दिन उसने 1890 में खुदकुशी कर ली। वाह। अब उसके बाद उसने कहा कि अब कुछ बचता नहीं है बनाने के लिए, यानी कि जिंदगी मुकम्मल हो गई है ना, उसका मिशन मुकम्मल हो गया कर ली। तो ये जो फन से मोहब्बत होती है ना, ये आदमी उसमें अपने आप को खत्म कर देता है। जो एक रक्कासा जो है वो रक्स इतने प्यार से करती है कि वो खुद रक्स हो जाती है, शायर जो है वो शेर बन जाता है। तो ये बड़ी तवील गुफ्तगु है, किसी दिन करेंगे इंशाल्लाह। ख्वातीनों हजरात, आपने आज का प्रोग्राम देखा, अपनी राय से हमें नवाजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आपके घरों में खैर व बरकत दे, दुआ में शामिल रखिएगा। हम दोनों की तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह।